हेलो फ्रेंड, स्टडी फॉर ऑल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 25 सितंबर और आज के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो क्वेश्चन हो सकता है आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का करंट अफेयर। और आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। अगर ये दूसरा सबसे बड़ा ओवरब्रिज है, रेलवे ओवरब्रिज है, तो पहला कौन है? तो पहला है चिनाब ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज है। दूसरा सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज कहाँ बनाया गया है? बर्धमान जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे बनाया गया है। इसको बनाने में 197 डेज यानी 197 दिन लगा है। कहते हैं वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, सीएम ममता बनर्जी, गवर्नर जगदीप धनकर। वो एरिया में 13वें स्थान पे है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वेस्ट बंगाल 13वें स्थान पे, और वहाँ का राजकीय पुष्प नाइट फ्लावर जैस्मिन है। इम्पॉर्टेंट है नाइट फ्लावर जैस्मिन। और वहाँ का राजकीय जानवर आपका फिशिंग कैट है। फिशिंग कैट पश्चिम बंगाल का राजकीय जानवर है। अगला क्वेश्चन है इंडिया टूरिज्म मार्ट 2019। इंडिया टूरिज्म मार्ट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये टूरिज्म से रिलेटेड आपका एक मार्ट था, एक आपका समिट था, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पटना। आपको बताना है इंडिया टूरिज्म मार्ट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में इंडिया टूरिज्म मार्ट 2019 का उद्घाटन किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी जी और प्रहलाद सिंह पटेल, इनके द्वारा इंडिया मार्ट 2019 स्टार्ट किया गया है। नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्रालय है उनके पास, और प्रहलाद सिंह पटेल उनके पास राजकीय टूरिज्म और कल्चर मंत्रालय है। अब दिल्ली का बात हो रहा है तो दिल्ली का सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी है दिल्ली के सीएम। वहां के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बजाज है। अनिल बजाज दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। चैंपियन अभियान भी कहाँ? दिल्ली में स्टार्ट किया गया, जो हम लोग कल पढ़े थे। और 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट कार्यक्रम भी दिल्ली में आयोजन किया गया था अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, और ये डेंगू से रिलेटेड है दोनों का दोनों अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के लिए अभियान किस जगह शुरू किया गया? AES आपका क्या है? एक टाइप का आपका सिंड्रोम है जिसमें बुखार और दिमागी संतुलन या स्थिति ठीक नहीं रहता है। इसके लिए एक अभियान चलाया गया है, वो किस जगह पे शुरू किया गया है? बिहार के किस जगह पे शुरू किया गया? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, गया, बक्सर। ये चार ऑप्शंस है और आपको बताना है किस जगह AES का शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में AES का शुरुआत किया गया है। और इसमें क्या होता है? इसमें बुखार और दिमागी स्थिति प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद पहल का संबंध किससे है? ऑप्शन है शिशु रोग में क्या अनुवांशिक, डेंगू, AES एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है उम्मीद पहल का संबंध किससे है। उम्मीद क्वेश्चन का सही आंसर है शिशु रोग, जो अनुवांशिकी जो रोग होता है शिशु में, उससे उम्मीद पहल का संबंध है। इसको स्टार्ट किए थे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018 यानी 2018 के लिए 2019 में किसे दिया गया है? ये अवार्ड 2018 के लिए ही दिया गया है, लेकिन दिया गया है 2019 में किसे दिया गया है? ऑप्शन है धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, ऋषि कपूर। ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है 2018 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड किस अभिनेता को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को
2018 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है? 2019 में। अब 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? तो विनोद खन्ना जी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड कब स्टार्ट हो गया था? तो 1969 में स्टार्ट हुआ दादा। और किससे संबंधित है? तो फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल यानी फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल अवार्ड 2019 में फीफा का अवार्ड बांटा गया है, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है लियोन मेसी, एलिसन, रोनाल्डो। नॉट, ये आपका चार ऑप्शन है, लियोन मेसी, एलिसन, रोनाल्डो और नॉट। ये आपका चार ऑप्शन है, और बताना है कि फीफा का 2019 में प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लियोन मेसी। लियोन मेसी जी को फीफा का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, इनका छठा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है। मेसी कौन है? मेसी अर्जेंटीना के एक प्लेयर हैं जो स्पेनिश क्लब बार्सिलोना से खेलते हैं, और फीफा 2019 में जो अवार्ड दिया गया है मेल कोच यानी पुरुष कोच के लिए जुर्गन क्लॉप को दिया गया है, फीमेल कोच जिल एलिस को दिया गया है, मेल गोलकीपर एलिसन को दिया गया है, फीमेल गोलकीपर सारी वैन वेनेदल को दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, कैरोलिना मारिन, ताई जू इंग। ये चार ऑप्शन है, और बताना है चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैरोलिना मारिन। बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? कैरोलिना मारिन। ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जो 25 सितंबर के लिए हो सकता था। अगर ऐसा ही आपको करंट अफेयर चाहिए तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।